नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यह 21 वर्षीय अजय है जो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है। वहां जाकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद अजय की तबीयत बिगड़ती है और मुंह से झाग निकलती है और उसके बाद तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, संजय कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय अजय की यह तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और मैं आपको बता दूं, इस समय फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ देख पा रहे हैं कितनी भारी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सभी जो है 21 वर्षीय अजय के जानने वाले हैं, परिवार वाले हैं। पूरा मामला जानेंगे इनसे कि क्या हुआ था उस दिन, कौन कौन साथ गया था अजय के। और ये जो सामने आप शख्स देख पा रहे हैं गुलाबी शर्ट में, ये अजय के पापा हैं। ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार अजय के भाई यहाँ मौजूद हैं, एक बार अजय के भाई से बात करते हैं कौन लोग थे जिनके साथ ये गया, पूरा मामला जानते हैं और इनको किसने इत्तला दी कि जो अजय है वो अब दुनिया में नहीं रहा। सामने अजय के भाई देख पा रहे हैं आप, और एक बार फोटो दोबारा दिखा देता हूँ अजय की। ये देखिए, ये वो फोटो है अजय की, 21 वर्षीय अजय जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। भाई से बात करेंगे। विनय चौहान है? विनय आप क्या लगते हो अजय के भाई हैं? एक बार बताएंगे क्या कैसे हुआ था, क्या हुआ है, कब गए घर से, किन के साथ गए घर से? सोमवार की दिन है, सोमवार सुबह मॉर्निंग में ये एक लड़का है मनीष, हमारे बगल में रहता है। अच्छा, उनके साथ गया था ये। अच्छा, अजय ये नहीं बता सकते जॉब के लिए गया था या फिर ऐसे घूमने गया था। अच्छा, और फिर क्या हुआ कि शाम को लेट नाइट हमने कॉल किया तो कह रहा कि मम्मी हम यहाँ पे पार्टी है, दोस्त का बर्थडे है, इस वहीं पे खा पी के यहीं पे सो जाएंगे। अच्छा, तो हमने बोला कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे क्या आते हमने अजय को कॉल किया। अच्छा, रात को घर पे नहीं पहुँचा? नहीं। अच्छा, उसने बोला कि हम वहीं पे सो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमने अजय को कॉल किया तो अजय ने कॉल रिसीव नहीं किया। ठीक है। फिर जो लड़का हमें ले गया था मनीष, उसको हमने कॉल किया तो वो कह रहा हमारे पास वो है नहीं। अच्छा, अजय मेरे पास है नहीं। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। हमने कॉल फिर दोबारा ट्राई किया, फिर किसी पड़ोसी है वहाँ के जहाँ गया था वहाँ की किसी पड़ोसी लेडीज ने हमारे पड़ोसी को कॉल किया। अच्छा, कि आपका लड़के की शायद यहाँ पे तबीयत खराब है, आप लोग आ जाओ। वहाँ आने को बोला जहाँ पे पार्टी कर रहे थे लोग? अच्छा, कहाँ पे कर रहे थे? ये है पल्ला में सूर्य विहार है, सूर्य विहार गली नंबर 9, तो वहाँ पे। और फिर अब मैं वहाँ पे गया, जैसे ही गया तो वहाँ पे जो एक लड़का था उसने बोला हम बीके लेके गए उसको। अच्छा, और लड़के की कब मौत हो गई ये हमें भी पता नहीं है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला। अच्छा, तो मनीष ने ऐसा क्यों कहा कि वो आपके आपके भाई उसके साथ नहीं है, जब लेके तो वही गया था घर से? अब इसके बारे में तो अभी पुलिस रिपोर्ट की गई है, वही बताएंगे। किस कंडीशन में था अजय जब उसको? अजय हमें मिला था वो डेड था। अच्छा, वो कह रहे हैं मुंह से झाग निकल रही थी। अब ये वही बता पाएंगे, लैब वो टेस्ट होगा वो बता पाएंगे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या पढ़ता था वो? वो डिप्लोमा कर चुका था और बीटेक कर रहा था, और वो कहते डिस्टेंस से और जॉब करता था। अच्छा, जॉब कहाँ करता था? जॉब का नहीं बता सकता प्रॉपर सेक्टर, या ये अपने क्या कहते हैं एयरफोर्स रोड है वहाँ पे करता था कहीं किसी कंपनी में। अच्छा, उम्र क्या थी लगभग? 22-23 थी, 22-23 की। क्या क्या आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी अजय की? मौत तो उनकी ये साजिश के तहत किया गया है। अच्छा, क्योंकि उस ये कह रहे हैं लड़के कह रहे हैं कि इसकी तबीयत रात से खराब थी, रात से उल्टी हुई है और रात से उल्टी हुई है, उसकी सुबह भी उल्टियाँ हुई है। मतलब आपका कहने का मतलब रात को तबीयत खराब हुई तो किसी डॉक्टर के पास कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट कोई नहीं दिलवाना चाहिए था? कुछ नहीं दिलवाया इन्होंने, और जो दोनों तीनों दोस्त थे इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई डॉक्टर को नहीं कुछ नहीं किया इन्होंने, ना हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन, आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो इसका सीधा सा सवाल है इनके, तो शक जाता है कि इन्होंने कुछ किया है। बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा सब कुछ। बता रहे हैं कि 9:30 दिन में 150 बार ये लोग फोन भी हम लोग फोन भी कर रहे तो फोन नहीं उठा बता रहे हैं मनीष 9:30 हम मनीष फोन नहीं उठा रहे हैं, आधा गिलास पिया है, नहीं उठा रहा था फोन, आधा गिलास पिया है, उसके बाद में नहीं पिया है। 9:30 ग्लूकोज इन लोगों को दिया है और आम की खटाई भी दी है 9:30 दिन में, और 9:30 दिन में ग्लूकोज पिया है, और 12:00 सवा 12:00 खबर आया कि जब मुझे जाग दे दिया
और उसके बाद में डेथ बॉडी। ये तो रात के ये सब कांड हुआ 12:30 बजे। सबसे बड़ी बात की अगर अजय की तबीयत खराब हुई थी तो मनीष को बताना चाहिए था, ट्रीटमेंट देना चाहिए था सबसे पहले, किसी को बताया नहीं। सब कुछ इन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि अगर अगर ये घर वालों किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया और हमने इधर से 50 कॉल किया, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, इसका तो कहीं ना कहीं शक शक नहीं, पूरा यकीन है कि उन्होंने सब कुछ किया। ये भी कह रहे थे किसी का हाथ है नहीं, मनीष है उसके साथ में, क्या नाम है, एक मनीष है, एक विश्वामित्र है, वो इन सब ने मिलकर साजिश करके उसके साथ ऐसा किया। तो क्या इनसे पहले कोई मनमुटाव था? दो तीन बार हो गया, दो तीन बार ऐसा हुआ। किसके साथ? मनीष के साथ या फिर अपना विश्वामित्र के साथ? मनीष के साथ। मनीष के साथ हुआ जी। उसके बाद भी मतलब मनमुटाव के बाद भी आपस में यार दोस्त थे? ये लोग यार दोस्त थे, उसको ये लेके गया है सुबह अपने बाइक पे बैठा के लेके गया है। अच्छा। और किस वजह से लेके गया क्या है अब तो सब, क्या नाम है, जो हमारी पुलिस है वो सही करके सब कुछ बताया है। और हम बस एक ही अपील करते हैं कि सच सामने आए, और क्योंकि जो परिस्थितियां बता रही हैं वो एक तो ये कि मनमुटाव था पहले, उसके बाद जब अजय की तबीयत खराब हुई तो मनीष ने बताना सही नहीं समझा, बताना जरूरी नहीं समझा, कॉल करने के बाद कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा, और किसी दूसरे से हमने कॉल कराया तो उसने ये झूठ बोला कि मेरे साथ अजय नहीं है, मैं काम पे हूँ, जबकि उसी के साथ घर से वही गया था, वही गया था और उसी के साथ था। परिवार वालों को किसी और से इत्तला मिल रही है? किसी और ने बताया हमें, किसी पड़ोस की लेडीज ने फोन करके, वो भी किसी पड़ोस की लेडीज को बताया यहाँ पे उसने। अच्छा। इनमें से किसी ने हमको नहीं बताया, जब वो एक्सपायर हो गया है, जब खत्म हो गया है, जब वो डेड बॉडी यहाँ पे लेके आए, तब उन्होंने हमें बताया। मनीष क्या काम करता था? मनीष एसी रिपेयरिंग का काम करता है। अच्छा, आपके पड़ोस में रहता है? हमारे पड़ोस में रहता है। पुलिस कंप्लेंट दी आपने? पुलिस को एफआईआर कर दी है। पुलिस भी एक बात कह रही है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही क्या नाम है हम कार्रवाई करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया है हमने, क्योंकि सब चीज होने के बाद भी पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, अरेस्ट नहीं कर रही है? पुलिस कह रही है संदेह पर भी अरेस्ट नहीं कर रही है। नहीं कर रही है संदेह, क्या पूरा यकीन उन्होंने किया है? फिलहाल देखिए सर, फिलहाल जब तक आपकी बात ठीक है, क्योंकि जो परिस्थितियां बता रही है वो कुछ और ही बता रही है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन उससे पहले संदेह के हिसाब से उनको गिरफ्तार कर सकती है और उनको कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई सच बताए, हकीकत क्या है जी? कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, बोले कि 9:30 बजे ग्लूकोज दिए हैं। जो सब ग्लूकोज दिए हैं तो यहाँ नहीं पता था, कहीं पास में हर गली में डॉक्टर है, किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, या किसी हॉस्पिटल में डाल देते। डालने के बाद फोन करते कि भाई तेरे भाई का तबीयत खराब है, इस हॉस्पिटल में डाल दिया। डाल दिया हूँ आकर के, भैया देख ले, तीनों का बयान अलग अलग लगाया, हमारे पास पैसा नहीं है, किसी हॉस्पिटल में डाल देते, किसी सरकारी हॉस्पिटल में डाल। एक बार उन तीनों का नाम और बता दूं। मनीष नाम है एक का विश्वामित्र नाम है, और एक का मेरे को नाम नहीं पता, एक हमारा भाई अजय था उसमें, टोटल अच्छा। चार लोग थे। तो एफआईआर हो चुकी है या अभी आपने रिटन कंप्लेंट दी है? हमने उनको लिखा है, उन्होंने बाकी उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है, बोला पासपोर्ट के बाद करेंगे अभी तो उसकी कॉपी। ठीक है, हम एक ही चीज चाहते हैं कि कार्रवाई करें और उनका रिमांड लें, ताकि सच्चाई अपने खुद गिरफ्तार करके उनका रिमांड तो खैर नहीं, पूछताछ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। इस बीच तो है नहीं कार्रवाई नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम में कुछ भी निकले लेकिन हुई तो सब कुछ उनकी वैसे, उन्होंने क्यों नहीं बताया जी, जी। उन्होंने घर पे कॉल करना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? और हमने कॉल किया तो उन्होंने उठाना क्यों नहीं जरूरी समझा जी? तो ये पूरा यकीन है कि सब कुछ उनके वजह से हुआ जी, क्योंकि जो बातें हैं वो संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं तीनों को जी। चलिए, तो ये आप कौन है अजय के? मैं अजय का दोस्त हूँ। आप दोस्त हैं अजय के? तो आप देख पा रहे हैं ये सभी सेक्टर 23 में रहते थे, गली नंबर 54/4। अच्छा, संजय कॉलोनी सेक्टर 23। और ये वाक्या परसों का है, जब अजय घर से निकला था और कल सुबह उसकी बॉडी मिलती है जी। तो आप देख पा रहे हैं ये सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस समय, अजय के पड़ोस के हैं, अजय के परिजन हैं, अजय के आसपास के घर के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो इस समय यहाँ पर अजय का अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है और ये लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। और इनका सीधा सीधा सा कहना है कि जब परिस्थितियाँ जो हैं, जो लोग तीन गए थे इनके साथ, जब उनकी परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब अजय की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने घर वालों को बताना सही नहीं समझा, और उसके बाद जब घर वालों ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद जब घर वालों को इत्तला मिल रही है किसी और से, जहाँ तक कि जिनके साथ अजय गया था उनको इत्तला करनी चाहिए थी कि अजय की तबीयत खराब हुई है, लेकिन उसने घर वालों को बताना सही नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात, जो मनीष का नाम सामने आ रहा है वो अजय से पहले भी उनसे कभी मनमुटाव पहले से ही चल रहा था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संदिग्ध हैं, और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन तीनों लड़कों से बात करें, अच्छी तरह से सख्ती से पूछताछ करें, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए, ताकि ये जो लोग अजय की पोस्टमार्टम होने का वेट कर रहे हैं, इनको इंसाफ मिल सके, असलियत सामने आ सके कि एक्चुअली में जो है मनीष, जो अजय है, वो कैसे अजय की जो है मौत हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। तो आप सभी आप देख रहे थे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल, और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा।
बहुत बहुत धन्यवाद।